टार्ट अक्सर यह देखा गया है कि जब आम जनता किसी शासकीय कार्यालय में शासकीय कार्य से जाती है तो उसके साथ शिष्टता का व्यवहार नहीं किया जाता बल्कि बड़े कड़े शब्दों और रूखे तरीकों से उनसे बातें की जाती हैं। परिणाम यह होता है कि शासकीय कार्यालयों में आए व्यक्ति भी खींच जाते हैं और वे बुरी भावना लेकर अपने घर लौटते हैं। ऐसे व्यक्ति से यह आशा करना भी उचित नहीं है कि वह शासन को किसी प्रकार का सहयोग दे, क्योंकि अच्छा व्यवहार और सहयोग की भावना ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शासकीय अधिकारी कर्मचारी आम जनता को घुड़की देते रहें और वह आशा करें कि घुड़की पाने वाले आदमी उन्हें अपना सहयोग देते रहें। सभी शासकीय सेवकों का यह प्रथम कर्तव्य है कि वे जनता के प्रति सहानुभूति बताएं, तहजीब से पेश हों और मीठी जबान का प्रयोग करें। सदैव ही हमें इस भावना से प्रेरित होकर काम करना चाहिए कि किस प्रकार हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। विदेश में इसी भावना से काम किया जाता है और तभी देश में आगे बढ़े जा रहे हैं। इन देशों के कार्यालयों में जाकर कभी ऐसा नहीं लगता कि शासकीय कर्मचारी और जनता के लोगों में तनाव बना हुआ है। पैराग्राफ चेंज। शासकीय कार्य में ईमानदारी की आवश्यकता और भ्रष्टाचार उन्मूलन के बारे में जितना कहा जाए वह कम ही है। जाहिर है कि जिस प्रशासन में भ्रष्टाचार है उसके प्रति जनता की धारणा कभी नहीं सुधर सकती। यह भी एक ऐसा मसला है जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को दूसरों के सामने आदर्श रखना चाहिए। भ्रष्टाचार और अक्षमता दोनों मिले जुले रोग हैं। इन्हें दूर करने के लिए शासन कृत संकल्प है। समाचार पत्रों में आपने इन दिनों पढ़ा ही होगा कि भ्रष्टाचारी और अक्षम अधिकारियों को सेवा से पृथक करने का अभियान शासन ने शुरू कर दिया है। यदि मीसा या अन्य अधिनियमों अथवा नियमों के अंतर्गत असामाजिक तत्वों को पकड़ा जा रहा है तब शासकीय वर्ग के जो भ्रष्टाचारी और अक्षम व्यक्ति हैं उन्हें भी कड़ी कार्रवाई से अछूता नहीं रहने दिया जाएगा। यदि ऐसे अधिकारी शासन के अंग बने रहते हैं तब जाहिर है कि जनता को स्वच्छ प्रशासन नहीं मिलेगा। भ्रष्ट एवं अक्षम अधिकारियों कर्मचारियों को शासकीय सेवा से अलग करने की कार्रवाई उच्च स्तर से आरंभ कर दी गई है
और यह नीचे से नीचे स्तर पर शीघ्र ही कार्यान्वित होगी। जनता के लिए भी भ्रष्ट और अक्षम अधिकारियों को और अधिक समय तक बर्दाश्त करना कठिन है। यह वर्ग पूरे समाज के लिए एक बड़ा बोझ है। स्टॉप।